बराबर के निकट कालवा ग्राम में तरनोट शिक्षण संस्थान में कोरोना काल के बाद एक बार फिर कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित हुई है। स्कूल खुलने को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। पहले दिन काफी संख्या में बच्चे विद्यालय में आए। अभिभावकों की सहमति से वह मास्क लगाकर बच्चे विद्यालय पहुंचे। साथ ही बच्चों ने 2 गज की दूरी बनाने का अध्ययन किया है और इसके साथ ही विद्यालय के संचालक आशीष सिंह ने बच्चों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामेश्वर डूडी ने कहा कि पिछले 10.5 महीने से विद्यालय बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई। विद्यालय के प्रतिभाशाली विज्ञान के अध्यापक मौसम विशेषज्ञ नानूराम डूडी ने कहा कि एक बुरा काल आया था जो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम सब अध्यापक मिलकर बच्चों की बेहतर पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। तरनोट शिक्षण संस्थान ने पिछले वर्ष कालवा व आसपास के क्षेत्रों में सबसे अच्छा परिणाम दिया है। नानूराम डूडी व सभी साथी अध्यापकों ने मिलकर कर्मा बाई कोचिंग सेक्टर में कक्षा 10 का 100% परिणाम दिया। पिछले सत्र 2021 में कक्षा 10 की छात्राएं दीपिका बेनीवाल, रेखा बेनीवाल 91%, साइंस नीलम टूडी, किरण चौहान व किरण बेनीवाल ने अच्छे अंक प्राप्त कर कर्मा बाई कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किया। नानूराम डूडी ने इन्हीं सभी बच्चों को बेहतर परिणाम देने पर भी बधाई दी है। सारे विद्यालय हैं वो एक बुरे काल से गुजर रहे थे, लेकिन अब कुछ हालात अच्छे हुए हैं, जिससे कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो स्कूलें हैं वो संचालित हुई है। हमारे स्कूल में जो सारे बच्चे हैं वो मास्क लगा के और अपने पेरेंट्स की सहमति से विद्यालय आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो कम समय बचा है इसमें बेहतर तरीके से पढ़ाई कराएंगे और बच्चों की जो पढ़ाई कोरोना से प्रभावित हुई थी उसकी पूर्ति करने की भी हम कोशिश करेंगे। स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ कोविड 19 का पूरा ख्याल रखा जाता है। बच्चे 2 गज दूरी का सही पालन करते हैं। सभी बच्चे मास्क लगा के आते हैं। मुकेश राठौड़ है, मैं श्री तरनोट शिक्षण संस्थान स्कूल में पढ़ती हूँ। इस स्कूल में मास्क लगा के सैनिटाइजर लगा के स्कूल में प्रवेश करने देते हैं। इस स्कूल में सारी सुविधा है। कृपया आप इस स्कूल में आज से कक्षा 6, 7, 8 की ओपनिंग हुई क्लासें और बच्चे सारे मास्क लगाकर आ रहे हैं और सामाजिक दूरी बनाए रख रहे हैं।